लोग आपको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक अरबपति बनने का धंधा है, आते ही करोड़पति बन जाओगे, धोखा दे रहा, झूठ बोल रहा है आपको, कभी नहीं होगा। किसी धंधे में दुनिया के आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। नो बिजनेस कैन मेक यू बिलियनियर ओवरनाइट, वो स्कीम स्कैम है। अब मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया, मैं एक सेमिनार में गया जो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का सेमिनार था। नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। दुनिया में समृद्धि पाने का ये बहुत 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 बड़ा रास्ता है। द स्कीम और स्कैम, इन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम खराब कर दिया, वरना ये फुल प्रूफ पावरफुल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से सबसे अच्छे स्टेबल करोड़पति तैयार कर सकती है। गांधी जी का मल्टी लेवल मार्केटिंग बुरी नहीं है, इसमें दो चीजें खराब है, या तो वो कंपनी खराब है जो इसी माइंडसेट से आती है कि पैसा लूटो और निकल लो, या वो लोग जो फेलियर हो गए, इसमें सफल नहीं हो सके, बाहर जाके इसकी इतनी निंदा करते हैं और वो चाहते हैं कि आप ना जाएं, क्योंकि वो सफल नहीं हो सके इसलिए वो आपको भी सफल नहीं देखना चाहते। यदि आप इन दोनों में से किसी एक श्रेणी में है तो ही आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए सही कैंडिडेट है। वैसे देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक सोचा समझा सैद्धांतिक फिलोसॉफिकल साइंटिफिक प्रोसेस है एक प्रोडक्ट गुड एंड सर्विसेज को मार्केट करने का। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। सेलिंग करें या ना करें, पहला कारण किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित रोजगार, दूसरा कारण जैसी मेहनत वैसा परिणाम, तीसरा कारण न्यूनतम लागत असीमित लाभ। कौन सा बिजनेस ऐसा है दुनिया में जिसमें 1,000, 2,000, 5,000 की लागत में आप लाखों कमा सकते हैं, जिसमें आप करोड़ों कमा सकते हैं? एक छोटा सा पान ठेला भी खोलना हो तो 2-3 लाख रुपए का खर्च लगता है, दिन में 15-15 घंटे बैठे रहना पड़ता है, पुलिस को संभालना पड़ता है, 100 चक्कर एक छोटी सी दुकान वाले को। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है, जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। एसोचैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में नेटवर्क मार्केटिंग का जो इंडिया में टर्नओवर था वो 12,630 करोड़ था। 12,630 करोड़। 2021 में ये प्रिडिक्टेड है कि ये बढ़ के 15,920 करोड़ हो जाएगा। ये इंडस्ट्री ग्रो करती जा रही है। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। You know what is power of compounding? Compounding effect. Einstein says compounding interest is the 8th wonder of the world. अगर आप दो उदाहरण लीजिए, अनाज की खेती कर लें या आम का खेत बनाए, अनाज अगर आप उगाएंगे 4 महीने लगेंगे, आम की गुठली बो दें 4 साल लग जाएंगे। अनाज तो फट मिल जाएगा, आपका काम खत्म 4 महीने में, दोबारा प्रोसेस चालू। लेकिन आम की गुठली एक बार बोई 4 साल तक हो सकता है कुछ ना मिले आपको, लेकिन उसके बाद मिला तो अगले 200 साल तक आम मिलता रहेगा। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। अब मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया, मैं एक सेमिनार में गया जो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का सेमिनार था। अब मेरी एज उस टाइम पे 18 साल थी। मैं सच बताऊं, 3 घंटे का सेमिनार था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ मेरे ऊपर से निकल गया। और मुझे एग्जैक्ट याद है आज भी कि मैं कहाँ बैठा था। आगे से एक ऑडिटोरियम था और मैं यहाँ से 3rd सीट पे बैठा हुआ था, मैं देख रहा था, और इस जगह पे एक 21 साल का लड़का खड़ा हुआ था। जब तक वो बोलता रहा मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसा, सब ऊपर से निकल गया। लेकिन एंड में उसने एक बात बोली, कहता मेरी एज 21 साल है और मैं महीने का 2.5 लाख रुपये कमा रहा हूँ। उसमें उन्होंने क्या किया, उस चेक की बड़ी सी फोटोकॉपी कराई हुई और स्टेज पे खड़े हो गए, ऐसे दिखा रहे थे। अब मैं वहाँ बैठा हुआ 0 गिन रहा था, 1, 2, 3, 4, 5। मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने कहा ये तो सच में कमा रहा है 2.5 लाख रुपए महीने का। मेरे तोते उड़ गए, दिमाग फट गया मेरा। मैंने ये देखा था जिंदगी में कि भैया 10-15 हज़ार रुपये के लेवल पे पहुँचने में भी सालों लग जाते हैं, और यहाँ दूसरी तरफ एक लड़का है मेरे जैसा ही जो कह रहा है कि मैं 2.5 लाख रुपये महीने का कमा रहा हूँ। और वो एक सेकंड लगता है, एक सेकंड, वही वो सेकंड था मेरी जिंदगी का। अंदर से चीख निकली, मैंने कहा कि अगर ये लड़का कर सकता है तो देखने में बिल्कुल मेरे जैसा है,
अरे तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्या कोई दूसरे प्लेनेट से आया हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता। MLM क्या है? MLM इज ऑल अबाउट लीडरशिप, MLM इज बिल्डिंग अ पावरफुल डाउन लाइन, MLM इज अबाउट हैविंग ग्रेट रिलेशन विद योर अपलाइन, MLM इज अबाउट कंटिन्यूअस लर्निंग। इसमें फायदे क्या है? पहली चीज है फाइनेंशियल फ्रीडम। बहुत से लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में आके फाइनेंशियल फ्रीडम तक खुद को पहुंचाया। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्योंकि ये बिजनेस है उस लेवल तक इसको ग्रो कर दिया, इसमें वो स्कोप है कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। महंगी गाड़ी का सपना हो, घर का सपना हो, पेरेंट्स के लिए कुछ हो ड्रीम, बच्चों के लिए कोई ड्रीम हो, या फिर कहीं घूमने जाना या अपनी लाइफस्टाइल को बढ़िया बनाना, ये सारी चीजें बहुत लोगों ने इस बिजनेस में अचीव की है। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम का स्कोप ये बिजनेस देता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लगातार निरंतर मेहनत करनी पड़ती है और कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलता है। बाकी आपकी जॉब के अंदर भी आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कंपाउंडिंग रिजल्ट कभी नहीं मिलता। यही एक फर्क है बस नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी किसी और बिजनेस के अंदर, जॉब्स के अंदर। सेकंड इसकी जो पॉजिटिव चीज है वो है नेटवर्किंग। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, नाम में ही नेटवर्क है, तो नेटवर्किंग इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा ही रहेगा। वैसे भी कहते हैं ना, द बेस्ट वे टू वर्क इज टू नेटवर्क। मतलब आप इसमें लोगों से मिलते हो, लोगों से सीखते हो, लोगों को सिखाते हो, लोगों का बिजनेस है ये। वैसे भी ह्यूमन टच की इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगी रहेगी। हम कितने भी डिजिटल हो जाएं, ये दुनिया ह्यूमन से ही चलती है, और वो मौका वो अपॉर्चुनिटी आपको ये बिजनेस देती है। हमारे देश की सरकार ने भी इसको मान्यता दी है और हमारी देश की सरकार भी इसके लिए रेगुलेशंस लेके आई है। आपको ध्यान देना है कंपनी ज्वाइन करने से पहले कि वो कंपनी ठीक है कि नहीं है। तीसरा कि आप इसमें अपने खुद के बॉस होते हो, यू आर योर ओन बॉस। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मुझे ना किसी के अंडर काम नहीं करना, मुझे किसी के बॉस को रिपोर्ट नहीं करना। यहाँ पे आपका अपना काम है, आप किसी को रिपोर्ट नहीं करते, आने का जाने का कोई आंसरेबिलिटी नहीं है, आप अपने बॉस खुद होते हो। और तो और इस बिजनेस के अंदर आपकी एज, रिलीजन, सेक्स, कास्ट और एजुकेशन, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता। इन पांचों की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चौथा पैसिव इनकम, आप किसी दिन नहीं भी काम कर रहे, आपके लिए इनकम क्रिएट हो रही है, आप पैसे कमा रहे हो, पैसिव इनकम के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। पांचवा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आसान है क्या? कंपनी सेक्रेटरी बनना आसान है क्या? IAS ऑफिसर बनना आसान है क्या? आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, बहुत आसान लगता है क्या आपको? आप एम्स मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जितने एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉलेज, आसान है क्या? आसान तो कुछ भी नहीं है जीवन के अंदर, लेकिन क्योंकि आप पहले आप पढ़ नहीं पाए या कुछ नहीं कर पाए, यहां पे पढ़ा लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखे तो भी काम चल सकता है, आपकी मेहनत चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग मेहनत करने वालों का धंधा है। इसलिए साथियों मैं कहूंगा आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा व्यापार होगा। आज पहली बार कैमरा के सामने आकर के मैं नेटवर्क मार्केटिंग के फेवर में खुल के समर्थन में आया हूं। अगर आप विफल हो जाए ना तो भी कोई बात नहीं, उम्र की शुरुआत के समय में किसी एक अच्छी कंपनी को पकड़ के MLM जरूर ज्वाइन कर लो। विफल होने में भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि वहां पर लर्निंग आपके लिए बहुत हो जाएगी। ये इंडस्ट्री आपको अंदर से ताकतवर बना देगी, जिंदगी में कहीं भी जाओगे उसका लाभ प्राप्त करोगे।